सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और जो है आज की वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक छोटे से प्रैक्टिकल के साथ में। जैसे कि कुछ स्टिक्स हमने रखी हुई हैं और कुछ क्वेश्चन भी थे जितने भी कस्टमर्स अभी जो परफ्यूम लिए, फिर उनका रिव्यू आया कि ये परफ्यूम्स इसके लिए बेस्ट है, ये परफ्यूम इसके लिए बेस्ट है, इसमें हम ये डाइल्यूशन कर रहे हैं किसी परफ्यूम में हम और किसी तरीके से जो है डाइल्यूशन कर रहे हैं। और वाइट अगरबत्ती के लिए ये हमको अच्छा लगा, ब्लैक के लिए ये हमको अच्छा लगा। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि कस्टमर्स ने जो केलकर्स के जो परफ्यूम्स है उसको यूज़ करने के बाद अपना जो है रिव्यू दिया हुआ है। सो उसी के बारे में एक छोटा सा एक अपडेट जो है मैं कहना चाहूँगा, या फिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर्स ने मेरे साथ शेयर की हुई है उसको मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोगों के साथ भी हमें जो है डिस्कस करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर्स जब आप केलकर के परफ्यूम कभी यूज़ करें या फिर कभी आपको मौका मिले यूज़ करने का, तो चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो उसी के बेस में कुछ परफ्यूम्स इधर रखे हुए हैं और कुछ इधर हैं जो कि सेलेक्टेड मैंने पहले से कर लिया है। और जो जो कस्टमर का रिव्यू था, मतलब ये जो कस्टमर्स परफ्यूम जो रिव्यू मतलब यूज़ कर चुके हैं और जो उनको रिजल्ट जो मिली हुई है, कैटेगरीज तीन चार होती हैं। जैसे कि कई लोग ब्लैक अगरबत्ती में जो है परफ्यूम ढूंढते हैं ब्लैक अगरबत्ती के लिए, किसी को वाइट के लिए चाहिए होता है, किसी को कलर के लिए चाहिए होता है। देन काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ करने का वो प्रोसेस होता है। किसी को व्हाइट अगरबत्ती के लिए कुछ अलग टाइप की परफ्यूम चाहिए होती है, जैसे फैंसी नोट चलती हैं, वुडी हो गई, या फिर फ्लावरी नोट हो गया, या फिर एक बेस नोट हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो एक छोटी सी इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और कुछ खुले बॉटल्स में मैंने सैंपल के लिए कुछ परफ्यूम्स और रखे हुए हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो है वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। सो सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक था। पहले मैंने अभी शुरुआत में वीडियो की शुरुआत में आपसे डिस्कशन किया था कि जो कस्टमर्स के बेसिक जो रिव्यूज थे परफ्यूम की क्वालिटी को लेकर, कि कौन कौन से जो स्टिक्स होती हैं, जैसे कि ब्लैक हो जाता है हमारा, कलर हो गया, वाइट हो गया, या मेटेलिक हो गया, या धूप स्टिक्स हो गई, या धूप कॉन्स हो गई, तो कौन कौन से जो ऐसे परफ्यूम्स जो इन स्टिक्स के लिए बेटर रिजल्ट देगी, जिसमें से कुछ जो है मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने जो चीज़ें यूज़ की हुई है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, और जो कस्टमर्स ने जिस चीज़ों को जिस जिस तरीके से यूज़ किए हुए हैं तो उनका भी कुछ रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फिर शुरुआत करते हैं, और इसी के साथ जो है सबसे पहले मैं बोलूँगा, तो दोनों तरफ की कुछ कुछ कैटेगरीज में मैंने रख ली हैं। अभी हमारे पास रेंज उतने ही हैं जितने जो वीडियो में रिव्यूज हुए थे, वही कुछ जो है अगले वीक के अंदर पे आ जाने वाले हैं, तो उसके बारे में भी अब सारा अपडेट आपको मैं कर दूंगा। फिलहाल इसके बारे में कुछ डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। अभी का टाइम जो है थोड़ा सा चेंज जो अगरबत्ती इंडस्ट्री में आई हुई है, वो है थोड़ा सा लोगों को एक न्यू फ्रेग्रेंस और थोड़ा क्रिटिकल होनी चाहिए फ्रेग्रेंस, थोड़ा स्वीटनेस होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से समय चेंज होते जा रहा है उस तरीके से बिजनेस में जो रूलर चीज़ें हैं वो भी चेंज होते जा रही है। अभी कस्टमर्स को चाहिए होती है कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस जो कि मार्केट में और किसी के पास ना हो। और वैसे ब्रांड के बेस में देखा जाए तो सब लोग यही सोचते हैं, भाई जो मैं ब्रांड में अगरबत्तियां मैं बेच रहा हूँ या फिर बना रहा हूँ या फिर परफ्यूमिंग कर रहा हूँ, उसमें क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हैं, क्या ऐसी अलग चीज़ें हैं, क्या ऐसा अलग फ्रेग्रेंस है जो मेरी अगरबत्ती मतलब हमारे ब्रांड की जो अगरबत्ती होगी उसको पसंद करेगी। तो यही क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे लोगों के मन में होती हैं, और वो जो है मार्केट में ढूंढने लगते हैं डिफरेंट टाइप के कुछ यूनिक कुछ अलग फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स परफ्यूम्स। सो इसके बेस में जो है कुछ तीन चार प्रोडक्ट हमारे थे जिसके बारे में मैंने बताया, जैसे कि ये है हमारे पास पैराडाइज, और सेकंड था हमारे पास हिमालयन जो कि फैंसी नोट्स में थी। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बनाई हुई है। अगर इसके बेसिक डिटेल आप जानना चाहते हो, डाइल्यूशन क्या होगा, फ्रेग्रेंस कैसी है, कि क्वालिटी क्या होगा, तो नीचे और जो आपको लिंक्स मिलेंगी उसमें जाके आप जो है वीडियो देख सकते हैं।
फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पर जो है बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 3-4 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये जो है प्रोडक्ट मैं मानूंगा तो ज्यादातर जो है स्वीटनेस के नाम से काफी सारे लोगों ने पसंद किए। स्वीटनेस मतलब एक मीठी खुशबू, लास्टिंग काफी अच्छा इनका रिजल्ट रहा, और उसके बाद जो है जो क्वालिटीज है वो भी बेटर रही, और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कितना रिजल्ट ये देगी, तो उनका भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। और मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कलर अगरबत्ती व्हाइट अगरबत्ती में काम करना चाह रहे हो तो फिर ये काफी अच्छा आपके लिए रहेगा, और आपकी क्वालिटीज जो है काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि देखा जाता है कि जो पाउडर बेस है जैसे T1 बेस में हम लोग अगरबत्तियां भी अभी बनाते हैं, एज अ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ब्लैक व्हाइट कलर मेटेलिक इन सारे प्रोसेस का हमारा पूरा काम है मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये मैन्युफैक्चरर भी है। सो कलर बत्ती में हमारे पास 5 से 6 डिफरेंट कलर पे आपको ये रॉ स्टिक्स भी मिल जाएंगी, और जो है आप इस तरीके से भी अगर काम करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हो। तो बेटर देन मैं बोलूंगा व्हाइट और कलर अगरबत्ती के लिए। इसमें 2 चीजें और इंक्लूड करता हूं मैं, आपका धूप स्टिक और धूप कोन, तो ये तीनों परफ्यूम्स के लिए रिकमेंड मैं करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे अभी आपका मन में ये भी सोचना आ रहा होगा तो भाई ब्लैक में यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, ब्लैक में भी अच्छा रिजल्ट ये देगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो परफ्यूम्स की यूनिक्स जो होती है मतलब फ्रेग्रेंस, वो जो है एक रिकमेंडेड जो चीज़ें होती है ना, ब्लैक हो गया या वाइट हो गया या कलर हो गया, तो इसके बेस में मैं कलर और वाइट का ही आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो क्वालिटी सूट करती है वो आप यूज़ कर सकते हो। देन दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो इधर हमारे जो कुछ प्रोडक्ट हैं उसके बारे में। सो जो काफ़ी और जो प्रोडक्ट है उसमें से है हमारे पास पाइनएप्पल हो गया, रोज हो गया, मोगरा हो गया, और ये सैंडल हमारे पास, और विंटेज प्रोडक्ट है हमारे पास, और एक है भारतवासी, और लैवेंडर। हमारे पास ये 7 फ्रेग्रेंस है। सो 7 फ्रेग्रेंस में ये देखा जाता है कि जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ फ्लावरी पे है, जैसे कि चंदन हो गया, मोगरा हो गया, गुलाब हो गया, लैवेंडर हो गया, पाइनएप्पल हो गया फ्रूटी नोट्स में। तो ये सारे रेगुलर फ्लेवर है, मतलब किसी भी जो ब्रांड चलाने वाले उनके पास ये फ्लेवर अवेलेबल आपको रहेंगी, और इसकी डिमांड हर एक को रहती है। भाई किसी को रोज पसंद है, किसी को लैवेंडर पसंद है, तो किसी को पाइनएप्पल पसंद है, तो किसी को भारतवासी पसंद है। तो ये क्या है, कंपलसरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब हर एक जगह पे, हर एक टाइम पे और हर एक सीजन पे ये प्रोडक्ट जो है चलने वाला होता है। तो इसके लिए जो है आप किसी भी तरीके से जो है अगरबत्तियाँ चूज कर सकते हैं, आप अपने मार्केट के अकॉर्डिंग चाहो तो आप वाइट अगरबत्ती से भी इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्वालिटी बेटर होगी, रिजल्ट भी बेटर आएगा। तो एक डिस्कशन ये हो गया, और ब्लैक अगरबत्ती जो है ना मार्केट के हिसाब से काफ़ी बेटर प्रोडक्ट मैं बोलूँगा जो ब्लैक रॉ होती है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव तो होती है, साथ में हमारा जो है प्राइस भी मेंटेन हो जाता है, थोड़ा मार्जिन जो है मिलने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके वजह से ब्लैक अगरबत्ती में आप निश्चिंत होके ये 3-4 प्रोडक्ट जो है बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, और आप जिस तरीके से आपको क्वालिटी मेंटेन करना हो, ब्लैक हो, कलर हो, वाइट हो, उनके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें भी से भी जो फ्रेग्रेंस आपको बेटर लगती है, वैसे सारे परफ्यूम्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है देखने को मिले, और इसके हिसाब से आप जो है ब्लैक अगरबत्ती के लिए ये परफ्यूम जो है सेलेक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। सो फिर जो है एक छोटा सा पैट्रिकल भी हम लोग कर लेते हैं, जिसमें से कुछ खुले बॉटल्स में हमने ये परफ्यूम्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये है हमारे पास डिवाइन, तो डिवाइन जो है, और ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो प्रोडक्ट आप केलकर परफ्यूम्स में कैसे होते हैं, परफ्यूम की थिकनेस क्या होगी, कलर्स क्या आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो वो भी आपको कुछ चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। तो ये हम खाली जो है अभी ये रखे हुए हैं बेकर, इसमें हम डालने की जो है थोड़ा क्वांटिटी में डालते हैं। तरीके से हमारा जो है परफ्यूम ये आपको देखने को मिलेगा,
थोड़ा वाटर कलर आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और फ्रैग्रेंस में बोलूँ तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा फ्रैग्रेंस है, जैसे कि कस्टमर्स का काफ़ी सारे रिव्यू आए डिवाइन को लेकर, और डिवाइन प्रोडक्ट जो है मैं बोलूँगा तो वन ऑफ द बेस्ट अभी के टाइम पे जो कस्टमर ने हमारे यूज़ किए और उन्हें जो रिज़ल्ट मिला। और कुछ इस तरीके की परफ्यूम्स आपको दिखने को मिलेंगी, वाटर कलर होगा, हल्का सा येलोनेस आपको दिखेगा, येलो टाइप की कलर्स में हल्का, और मैं कहूँ तो लगभग वाटर कलर ही आप मान के चलो इसको। और इसमें कुछ जो है हम लोग स्टिक्स जो है डीप कर लेते हैं, और एक स्मेल जो जो होती है उसको भी थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा वाइट, ये हम ले लिए पिंक, ये दो स्टिक हमने ले ली रेडनेस टाइप की, और ये हमारे पास है पैरोट ग्रीन, और ये हमारे पास है ऑरेंज। तो ये स्टिक्स को कर लेते हैं एक साथ मिक्स, और देन इसको हम लोग करते हैं डीप। अभी ये छोटा प्रोसेस है क्योंकि, और ये प्योर परफ्यूम है ना, अभी मैं इसमें डीपी वगैरह यूज़ नहीं किया हूँ, अभी ट्रायल बेस में ही आपको ये चीज़ें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये छोटे ग्लासेस में हमने लिए हैं तो हाफ डिपिंग हुई है, हाफ डिपिंग मीन्स लगभग 3 इंच, और फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये हो गया, अभी इसको रखते हैं हम साइड पे, जैसे कि अभी ये दो इसमें आएंगी, रिजल्ट काफ़ी बेटर है, परफ्यूम्स आप देख लिए। अभी एक और जो हमारे पास है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ये है हमारे पास विंटेज, विंटेज आप जानते होंगे, और ये भी एक बॉटल खुला हुआ था तो इसका मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये भी देख लो भैया, तो ये डाल लिया हमने परफ्यूम्स, अब परफ्यूम की क्वालिटी आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगी, तो ये देखिएगा आपको हल्का येलो कलर, जैसे कि इसमें था थोड़ा चेंजेस है इसमें और इसमें, दोनों का आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डिवाइन हो गया, ये विंटेज हो गया। विंटेज का कलर आपको थोड़ा येलो लाइट कलर ज़्यादा दिखेगा, और फ्रेग्रेंस में बोलूँ तो ऊपर से ही काफ़ी अच्छा आ रहा है ये। और विंटेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप इसे ब्लैक वाइट कलर धूप स्टिक धूप कोन सबके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक फैंसी नोट्स होने के साथ साथ एक अच्छा यूनिक फ्रेग्रेंस है इसमें, और ये परफ्यूम्स आपको मतलब ये जो फ्लेवर्स है और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इसमें। जो हम करते हैं ब्लैक अगरबत्ती को डीप, तो ये हमने जो है ब्लैक अगरबत्ती जो है निकाली हुई है। इसके बारे में कुछ चीज़ें और मैं आगे आपको शेयर करूंगा कि हमारा डीपी ऑयल कैसे होना चाहिए, डीपी ऑयल को सही तरीके से यूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और एक परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए परफ्यूम और डीपी ऑयल को मैच्योर या फिर ब्लेंडिंग करने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आने वाले किसी वीडियो में मैं समय निकालूंगा, और जो है अभी का टाइम थोड़ा बिजी शेड्यूल चलने की वजह से सारी चीज़ें छूट पा रही हैं, छूट जा रही हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ब्लैक अगरबत्ती में जो है किसी भी टाइप के परफ्यूम्स आप यूज़ करो रिज़ल्ट मिल ही जाता है, हालांकि हम लोग क्वालिटी के लिए अलग अलग चीज़ें जो है सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया वाइट के लिए, कलर के लिए, धूप स्टिक के लिए, धूप कोन के लिए, बाकी रेगुलर में बोलूँ तो ब्लैक अगरबत्ती में आप किसी भी टाइप का फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हो, ये मैंने क्वालिटी बेस के लिए ये चीज़ें आपको बताई थी स्टार्टिंग में। तो इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब फ्रेग्रेंस तो अभी मैं जैसे डीप किया हूँ परफ्यूम खोला हूँ तो अभी जो एरिया है मतलब ये छोटा सा जगह है वो थोड़ा सा महक चुका है, तो ये भी काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिला।
तो कुछ इस तरीके से एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो था ये, और जिसमें मैंने डिस्कशन किया कि ब्लैक अगरबत्ती में आप क्या यूज़ कर सकते हो, वाइट अगरबत्ती और कलर अगरबत्ती में आप क्या यूज़ कर सकते हो, और आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं ये क्या है, जो कस्टमर के कुछ रिव्यूज़ थे और कुछ मेरा ओपिनियन था उसके बेस में ये वीडियो था। अदरवाइज़ आपको जो परफ्यूम जिस प्रोडक्ट के लिए अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो।